चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। तीन महीने की। किस तरह का आप काम करते थे? झाड़ू का। ये जो सड़क की सफाई होती है जी। तो आपको जब काम पे लगाया गया तो आपसे कुछ पैसे भी लिए उन्होंने लगवाने जी। कितने लिए थे? 16,000। तो एक भी पैसा अभी तक वहाँ से इतने का नहीं आया जी। जो थोड़ा बहुत किसी के यहाँ काम भी कर रही थी, जैसे किसी के यहाँ पोछा लगा रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, वो पैसों को देख के इस कंपनी की, वहाँ से वो काम छोड़ के इस कंपनी में आई हैं। इससे पहले किसी के यहाँ जैसे झाड़ू पोछा कर रही थी, थोड़े पैसे थे, जैसे 500 कहीं से मिल गए और 400 कहीं से मिल गए, उन्होंने ये काम छोड़ के और इस कंपनी में आई हैं। उन्हें उनके साथ में मांग की है पैसों की, और पैसों की मांग करते हुए वो काम करने लगी, उनकी उन्होंने डिमांड मानी नहीं। हम तो बहुत परेशान है, रेत सकेरा, कूड़ा सकेरा हमने सड़कों पे से, किसी किसी की गालियाँ भी सुनी दुकानदारों की। अब कौन जिम्मेदार होगा ना डीएम हमारे लिए कुछ कर रहा, ये बताओ। सब अधिकारी भी सब हाथ उठा रहे, नुकेरा हमारे से पूछा था क्या आपने इस कंपनी में लगने से पहले? अब तो हमें सब जिम्मेदार बता रहे, अब हमें ऐसा पता होता तो हम लगते क्यों, ये बताओ। हम अनपढ़ आदमी है, हमें कुछ नहीं पता इन बातों का, पढ़े लिखे होते तो कुछ करते भी हम। ये जो मामला है, चूंकि ये मामला सारा पालिका के ही माध्यम से चला हुआ है मुजफ्फरनगर में, जो आरके ग्रुप यहाँ काम कर रहा है उसमें लगभग 300 महिला और पुरुष काम पे इन्होंने लगाए, जबकि पालिका से पूछा गया भाई आपने किस बेस पे इन लोगों को लगाया गया। उन्होंने बताया कि हमने केवल 10 आदमी को संस्तुति दी थी इन लोगों को, 10 आदमी के ना लगा के इन्होंने 250-300 आदमी लगा लिए। जो कंपनी का मैनेजर था इमरान, उसने अपने कुछ साथियों से मिली भगत कर हमारे जो भोला भाला समाज है, वाल्मीकि समाज, उनके बीच में वे लोग पहुँचे अपने एजेंटों के माध्यम से। कुछ लोग हमारे भी साथी थे उनके बीच में, कि उन्हें बताया गया कि भाई मैं आपके कर्मचारी, आपके घर के जो भी बच्चे हैं, महिलाएं, पुरुष भाई, लड़के हैं, नौजवान, तो मैं उनको काम पे लगवा दूंगा और वे लोग आपको यहीं परमानेंट करवा दी जाएगा। उनके विश्वास में वे लोग चले गए, उन पे विश्वास करके उन्होंने 15-15 हज़ार रुपये या 16-16 हज़ार रुपये उन लोगों को तक पहुँचा दिए। ठेका प्रथा से मतलब हमारे मानसिक क्षति पहुँच रही है, हमारे आर्थिक क्षति भी पहुँच रही है, चूँकि एक कर्मचारी को लगभग 30 या 35 हज़ार की तनख्वाह मिलती है, जिससे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और मतलब जटिल होती है। चूंकि आज शिक्षा का दौर है, अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो हमारा बच्चा कहाँ बैठ पाएगा, किसको दूसरे समाज में कैसे बैठ पाएगा, कैसे बात कर पाएगा, चूंकि दूसरा समाज तो हमसे बहुत आगे है। चूंकि हम मानसिक क्षति झेल रहे हैं, क्योंकि हमारा बच्चा एक तो कम पढ़ा लिखा होने के कारण उसको कोई अपनी दुकान पर काम भी रखने को तैयार भी नहीं है, यहाँ तक कोई होटल पर ढाबे वाला भी बर्तन मांजने के लिए हमारे बच्चों को नहीं रख पाता। हमारे से देखा नहीं जा रहा है, हमारी माताएं धूप में इतने हैवी टेम्परेचर में जा के धरने प्रदर्शन दे रही है अपने मेहनत की कमाई पाने के लिए। तो शायद हमारे अधिकारियों को भी इस चीज़ के लिए शर्मसार होना ज़रूरी है, और हम इसका विरोध करेंगे और फ्यूचर में
उसको जल्द से जल्द पकड़वाने की हम मांग भी करते हैं और पकड़वा कर जरूर देंगे। तो ये बताओ हम कैसे काम करेंगे, हम आगे को कहीं रोजगार ही नहीं है। अब बच्चे बेचारे कहीं कुछ मांग रहे, कहीं कुछ मांग रहे, जब तनख्वाह ही नहीं आ रही तो हम कहाँ से ला के दे बच्चों को, ये बताओ आप। घर के ही नहीं खाने के पूरे वो हो रहे, 3 महीने तनख्वाह हो गई वहाँ पे कंपनी में हमारी, और जो काम करे तो वो भी छूट गया हमारा, हम तो बेरोजगार घर बैठे अब हम। अब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही भैया, रोज थक के आ रहे, रिक्शों में पैसे फूक रहे और बीमार भी हो गया हम इस धूल मिट्टी से। अब ये बताओ हम क्या करें। मैं निवेदन करूँगा माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया योगी जी से कि ये ठेका पड़ता को पूरे भारत में और पूरे यूपी में बंद कर दिया जाए। हमें तो लग रहा है कि हमें अपने अपने बच्चों को शिक्षा न दे के उन्हें छोटे छोटे से झाड़ू पंजर बावले अभी से लगा देने चाहिए, क्योंकि आगे तक वे तैयार हो जाएंगे। इससे यही आभास हो रहा है कि आने वाला समय वाल्मीकि समाज के लिए बड़ा कठिन होगा और हमें लोग सफाई के नाम से ही हम लोगों को जाना जाता है और सफाई में ही हम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। Thank you.